दोस्तों अगर मैं अपने कॉल डायलर के अंदर एक सीक्रेट कोड डालता हूं जैसे कि #80#, तो यहां पर मेरा हिडन ऐप्स दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों अगर आपको अपने फोन में ऐप को छुपाना है जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फ्री फायर, BGMI, इस तरह का जो ऐप है, जो गेम है, वो अगर अपने फोन में छुपाना है तो कैसे आप छुपा सकते हो विथाउट एनी एप्लीकेशन। आपको किसी भी ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फोन के सेटिंग से ये काम कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस ट्रिक के बारे में तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक जो है वो ऑप्शन दिख जाता है प्राइवेसी, ठीक है। तो बस आपको प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाता है, परमिशन और प्राइवेसी। तो प्राइवेसी पर आपको आ जाना है और यहाँ पर हाइड ऐप्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो बस आपको हाइड ऐप्स पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जितने भी आपके फोन में ऐप है, जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है, वो सारा ऐप यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फ्री फायर हो गया, सभी ऐप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी अगर यहां से आप हाइड करना चाहो तो हाइड नहीं होगा, उसके लिए आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद टर्न ऑन प्राइवेसी पासवर्ड आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों। अब यहां पर आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो, जिस टाइप का आपको पासवर्ड रखना है उस टाइप का पासवर्ड आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर यूज और डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर आपको क्लिक करना है। यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको पैटर्न रखना है तो पैटर्न रख सकते हो, 4 डिजिट का पासवर्ड रखना है तो वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर 4 डिजिट का पासवर्ड रखना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने सेट कर लिया और उसके बाद अपना पासवर्ड यहां पर हम डाल देंगे, ठीक है। जो भी पासवर्ड आपने डालना चाहे वो यहां पर पासवर्ड डाल देंगे और उसके बाद यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि अगर कभी भी आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे तो आसानी से इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से उसे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि फेवरेट रेस्टोरेंट, मैं अपना फेवरेट रेस्टोरेंट ही डाल देता हूं, ठीक है, ललित यहां पर मैं डाल देता हूं और उसके बाद यहां पर यस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही यस पर मैं क्लिक करूंगा यहां पर पासवर्ड सेट हो गया है। अब यहां पर हम सिंपल बैक आएंगे। बैक आने के बाद अगर हम किसी भी ऐप को हाइड करना चाहें तो एक सेटिंग अभी और करना है। तो जैसे कि यहां पर जैसे इंस्टाग्राम यहां पर ऑन करेंगे तो यहां पर सेटिंग्स आ जाएगा, तो बस आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है और अपना एक एक्सेस कोड यहां पर क्रिएट करना है। जैसे कि अगर आप रखना चाहते हो #8#, तो यह भी आप रख सकते हो। अगर आपको रखना है #258 यहाँ पर #, इस तरह का कोड रखना है तो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो मुझे रखना है #8#, ये मैं यहाँ पर कोड डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर यस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर डन पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जिस ऐप को आपको हाइड करना है बस इस तरह से यहाँ पर ऑन करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा, देखिए इस तरह से। अगर व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप हो जाएगा, यूट्यूब, YT स्टूडियो, जो भी आपका है वो आप कर सकते हो, ट्रू कॉलर करना है ट्रू कॉलर कर सकते हो, तो ये सारा जो ऐप है वो हाइड हो जाएगा। अब अगर जो भी आपने ऐप को हाइड कर लिया, अगर उसे देखना है तो कॉल डायलर को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये इस पर आपको आ जाना है कीपैड में, और जो भी आपका एक्सेस कोड था वो एक्सेस कोड यहाँ पर डाल देना, जैसे कि #8# मैंने डाला था। तो यहाँ पर जैसे ही वो कोड डालेंगे हमारा हिडन ऐप्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका काम भी हो गया। तो कैसा लगा ये ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।